नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनपैक्ट के बारे में। तो अगर जेनपैक्ट आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ जेनपैक्ट, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है जेनपैक्ट के साथ एंड यू वॉन्टेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था। तो मुझे एक्चुअली लिंक्डइन पर इसकी जॉब पोस्टिंग के बारे में पता चला था। वहां पर जब मैं अप्लाई करने के लिए गया तो मुझे इसने करियर पोर्टल पर जाकर इसके राउट कर दिया। वहां पर जाकर मैंने अपनी सारी की सारी डिटेल्स वहां पर डाली और उसके बाद मैंने 2 या 3 जॉब्स के लिए अप्लाई भी किया था। उसके बाद मुझे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद एचआर की तरफ से कॉल आ जाता है। एचआर मुझसे उस दौरान कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं जो भी स्क्रीनिंग राउंड में पूछे जाते हैं कि कब तक आप ज्वाइन कर सकते हो, अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताओ, स्किल सेट क्या है, नोटिस पीरियड कितना है, कब तक ज्वाइन कर सकते हो, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, करंट सैलरी कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछे थे और उन्होंने उसके बाद ही 2 हफ्तों के बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल भी कर दिया था। इस इंटरव्यू प्रोसेस में टोटल कितने राउंड होंगे, वेल ये चीज मैं पूछना एचआर से भूल गया था, तो मैं आपको टोटल तो नहीं बता सकता कि कितने इंटरव्यू हुए थे, लेकिन हाँ फर्स्ट इंटरव्यू के बाद ही मुझे रिजेक्शन देखने को मिल गई थी, तो मैं आपको सिर्फ उस राउंड के बारे में ही बता सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड के बारे में बताऊंगा कि मुझसे फर्स्ट राउंड में क्या क्या चीजें पूछी गई थी और मैंने उन क्वेश्चंस का आंसर क्या क्या दिया था। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड के बारे में, जो कि एक टेक्निकल डिस्कशन राउंड था। सबसे पहले इंटरव्यूअर ने मुझसे मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा कि अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने जो भी उस टाइम पे बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखी थी, मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में उसी टाइम पे बता दिया। देन उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो जिस भी प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया हुआ था अपनी पिछली कंपनी में और करंट कंपनी में, मैंने उनको उन सब चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मामले में कि अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करके बताओ कि तुम उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या काम करते थे या फिर तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। तो उसके बाद मैंने उनको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया, जो भी मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किया करता था, मैंने वो सब चीजों के बारे में उनको उस दौरान बता दिया। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ यू डिप्लॉय अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑन AWS सर्वर। तो जो भी प्रोसेस मैं फॉलो करता था अपनी कंपनी में, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया कि इन इन चीजों का यूज करके हम AWS सर्वर पर जाकर प्रॉपरली प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते थे। तो मैंने उनको वो सारा का सारा प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके उस दौरान बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड था कि एक्सप्लेन द होल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, कि तुम अपनी कंपनी में किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस को फॉलो करते थे, एक एक टूल के बारे में बताओ। तो उन सब चीजों के बारे में पूछा गया था। तो इसमें मैंने उनको पहले जेनकिंस के बारे में बताया कि जेनकिंस टूल को हम यूज करते हैं CI/CD पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए। जब भी हम वहां पे कोई भी इमेज अपडेट कर देते हैं तो उसको हम चेंजेस देख सकते हैं, QA पे क्या चेंजेस हुए हैं, स्टेजिंग सर्वर पर क्या चेंजेस हुए हैं, पर्व पर क्या हुए और उसके बाद प्रोड पर क्या होंगे। फिर उनको मैंने सब कुछ बताया कि QA सर्वर किस लिए यूज किया जाता है, स्टेजिंग सर्वर, पर्व सर्वर और प्रोड सर्वर किन के लिए यूज किया जाता है, और ये सब चीजों के बारे में मैंने उनको उस दौरान बताया। देन उसके अलावा मैंने उनको डॉकराइजेशन के बारे में भी बताया कि हम अपने प्रोजेक्ट में डॉकराइजेशन किस तरह से करते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में मैंने इस क्वेश्चन में उनको सब चीजों के बारे में बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था एक्सप्लेन टपल कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। तो मैंने एज सच टपल कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आज से पहले सुना नहीं था, मुझे नहीं पता था कि टपल कॉम्प्रिहेंशन होती भी है पाइथन में या नहीं। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि सर मैं आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में तो बता सकता हूँ, लेकिन टपल कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उसके बाद वो हंसने लग पड़े, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। देन मैंने इसको रात में जाकर सर्च भी किया था कि यार टपल कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है आफ्टर द इंटरव्यू। तो मुझे पता चला कि यार पाइथन में टपल कॉम्प्रिहेंशन होता ही नहीं है, उन्होंने मे बी एवं ही पूछ लिया होगा कि होता क्या है, लेकिन इन रियलिटी पाइथन में टपल कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती। इसी राउंड में मुझसे कुछ कोडिंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई थी, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थी। सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज पूछी, डू यू नो एनीथिंग अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कभी इंप्लीमेंट करके देखा है या फिर तुम्हें कोड लिखना आता है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मैंने कोड लिखा हुआ, मुझे पता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने उनको वो चीज बताई कि क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जिस तरह से भी हम रियल एंटिटीज होती हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए या फिर उनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो मैंने उनको ये बेसिक चीज उस दौरान बताई थी। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मुझे एक ऐसी क्लास बना कर दो जिसमें तुम 2 पैरामीटर्स को पास करो, स्कोर और एज को। तो उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम उनको लिखकर दे दिया था। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम इन दोनों का ऑब्जेक्ट भी बनाकर बताओ, 2 ऑब्जेक्ट बना लेना। तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिए, लेकिन उसके बाद मेन क्वेश्चन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्लस।
तो ये चीज मैंने कभी करके देखी नहीं थी, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था। तो मैंने एक्चुअली ये चीज उस दौरान लगाई कि यार हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को भी ऐड कर ही लेते, वो भी दोनों ऑब्जेक्ट ही होते हैं, और लिस्ट और लिस्ट को भी ऐड कर ही लेते हैं, वो भी दोनों ऑब्जेक्ट ही होते हैं, तो मे बी हम इन दोनों चीजों को भी ऐड कर ही सकते हैं क्योंकि ये भी दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो मैंने उस दौरान बोल दिया कि हाँ हम दोनों चीजों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है इस चीज को रन करके देखो। तो रन करने के बाद मुझे ये एरर देखने को मिला, तो मैं समझा कि हम दो ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकते। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि उन्होंने इस दौरान पूछा। दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, उन्होंने सिर्फ ये चीज बोली थी कि फिबोनाची सीरीज बनानी है बाय यूजिंग अ जनरेटर। तो जनरेटर मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरव्यूज ऑलरेडी दे ही दिए थे जिसमें बार बार वो सिर्फ जनरेटर के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो उसी दौरान मैंने उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया और मैंने उनको कहा कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट का यूज करके ये सब डिस्प्ले करवा सकते हो वैल्यू। तो इस तरह से हम जनरेटर का यूज करके किसी भी फिबोनाची सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि तुम्हारे पास एक लिस्ट है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स निकालने हैं बाय यूजिंग अ लैम्डा फंक्शन। तो उस दौरान मैंने ये प्रोग्राम उनको लिखकर दे दिया और मुझे इन दी एंड रिजल्ट भी मिल गया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि मान लो कि तुम्हारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई जिसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स पड़े हैं, इंटीजर पड़े हैं सारे के सारे वैल्यूज। तो मान लो कि जब भी तुम कभी भी उसको राउट कर रहे होंगे, मान लो कि कोई फोर लूप यूज कर रहे हो, व्हाइल लूप यूज कर रहे हो और कभी भी उसको आइट्रेट कर रहे होंगे, तो उस दौरान कभी भी अगर तुम्हारे पास वन आ जाता है तो उसी टाइम पे कोई एक्सेप्शन रेज हो जाए। यानी कि तुम्हें एक एक्सेप्शन रेज करवानी थी खुद ही अगर वहां पे मान लो कि एलिमेंट की वैल्यू वन होगी, तो तुम किस तरह से करवाओगे। देन उस दौरान मैंने उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया और ये भी इन दी एंड चल ही पड़ा था। ऑब्वियसली मैंने ऐसे प्रोग्राम पहले भी बहुत बार इंटरव्यूज में देखे थे, तो मेरे लिए ये करना काफी ज्यादा इजी था। तो मैंने उसी दौरान उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया। अगला क्वेश्चन इसी कोड के बेसिस पे ही था। एक्चुअली जब मैं ये कोड लिख रहा था तो मैंने उसको पहले ही रन कर दिया था, तो मुझे ईओएफ एरर देखने को मिल गया था। तो उन्होंने उसी दौरान पूछा कि ये ईओएफ एरर क्यों आ रहा है। तो उस दौरान एक्चुअली पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, मैं उस दौरान बता नहीं पाया क्योंकि ये एरर तो बहुत बार मैंने देखा हुआ था लेकिन उस दौरान मैं बता नहीं पाया था। उसके बाद मैंने ये प्रॉपर कोड उनको लिखकर दे दिया था, लेकिन ये चीज़ भी उन्होंने उस दौरान पूछी थी, जिसको मैंने बाद में जब सर्च किया था तो मुझे पता चला कि जब भी हम किसी भी इनपुट की वेट कर रहे होते, मान लो कि इनपुट फंक्शन हमने कॉल कर लिया होता तो हम कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करते, देन उस दौरान हमें ईओएफ एरर देखने को मिलता है। तो ये मुझे उस दौरान बताना चाहिए था लेकिन उस दौरान मैं ये चीज़ नहीं बता पाया। देन उनका अगला क्वेश्चन था, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट कस्टमाइज डेकोरेटर। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, जब भी हम कोई डेकोरेटर डिफाइन करते हैं तो उसमें जब हम कोई पैरामीटर्स वगैरह पास कर देते हैं, यानी कि अपने तरीके से उसको डिफाइन करते हैं किसी भी तरीके से, देन उस चीज को कस्टमाइज डेकोरेटर का नाम दिया जाता है। तो इसमें ही उनका अगला क्वेश्चन था कि डिफाइन अ डेकोरेटर जो कि दो पैरामीटर्स को लेगा और उसके बाद उन दोनों पैरामीटर के सम को रिटर्न करेगा। तो उस टाइम पे एक्चुअली मुझसे ये चीज नहीं हुई थी, तो मैंने बीच में उनको बोल दिया कि आई कैन नॉट डू दिस थिंग। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मुझसे ये चीज नहीं हो रही। देन उन्होंने डेटाबेस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे। ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन लग रहे थे कि जब मेरा वो इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके बाद मुझे भूल भी गया कि मुझसे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। देन उसके बाद उन्होंने एक्चुअली मेजरली उन्होंने PostgreSQL और SQL के बेसिस पे ही पूछा था कि सेटअप किस तरह से करते हैं, क्या क्या कमांड्स तुम यूज़ करते हो डेली बेसिस, तुम सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो यही सब चीज़ें थी जो कि डेटाबेस के बेसिस पे पूछे गए थे। देन उन्होंने उसके बाद ये चीज़ पूछी कि किसी पर्टिकुलर कॉलम को अगर डिलीट करना हो तो उसकी क्या कमांड होती है PostgreSQL में, उसके बारे में बताओ। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि DDL क्वेरीज कौन सी होती है, तुमने उनको किस तरह से यूज किया है उनके बारे में बताओ। तो ये सब चीजों के बारे में भी मैंने उनको उस दौरान बता दिया था। देन उनका लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज ब्लॉब इन SQL। तो मैंने उनको बोला कि ये स्टोरेज पर्पस के लिए यूज किया जाता है। देन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो कि मुझे इंटरव्यू के बाद भूल गए और मैं लिखना भी भूल गया था उस दौरान, क्योंकि इसके बाद ही मेरा दूसरा कोई इंटरव्यू और भी शेड्यूल था तो मैं उस इंटरव्यू में भी चला गया, तो मैं लिखना उस टाइम पे भूल गया था, तो जिसके कारण मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं याद। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता था कि ये वाला राउंड मेरा बहुत ही ज़्यादा टफ था और मैं उनको इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स भी नहीं दे पा रहा था। मुझे इन दी एंड सिर्फ यही चीज़ अपने बारे में लग रही थी और वही चीज़ मुझे कुछ दिनों के बाद भी शायद पता चल गई, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चली। मैंने उसके बाद HR को काफ़ी बार कॉल करके अपना फीडबैक के बारे में पूछा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनका रिवर्ट नहीं आया तो मैं भी खुद समझ गया कि शायद रिजेक्शन ही मिल गई होगी इस इंटरव्यू से, इसलिए उनका कॉल बैक नहीं आया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे उस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आप तक और भी लेके आ सकूँ। धन्यवाद।